आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए वाहन कंपनियां जल्द दोहरे इंजन वाली गाड़ियां बाजार में लाएंगी। सभी वाहन निर्माताओं को फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियां उतारने का निर्देश जारी किया जा चुका है और इसे 6 महीने के भीतर लागू करना होगा। गडकरी ने कहा कि मैंने फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी पर हस्ताक्षर किए हैं और कंपनियों के पास इसे लागू करने के लिए 6 महीने का समय है। सरकार वाहनों में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियों पर जोर दे रही है। ऐसे वाहन एक से अधिक ईंधन पर चल सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल और मेथनॉल या एथेनॉल का मिश्रण होता है, जो कम प्रदूषण के साथ कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने में मददगार होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही 4 पहिया वाहनों को 100% एथेनॉल पर चलाने का लक्ष्य है, तब हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी और वैकल्पिक ईंधन से हमारा लाखों करोड़ रुपए बचेगा। TVS मोटर व बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन वाले 2 पहिया और 3 पहिया बनाने शुरू भी कर दिए हैं। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।